शादी करके कैसा महसूस हो रहा है तुमको? खुशी है, खुशी है, लेकिन भूख भी लग रहा है बहुत। मतलब तुमको पता है कि गम आने वाला है। गम आने वाला है। आज है सुमेन का शादी का दिन, मतलब रात भी बोल सकते हैं, और सब अभी निकल रहा है रेडी होकर। देख सकते हैं सब कितना खुश है, मामी लोग, और ये भाई का वाइफ, और ये रहा नीत बर, जो हम लोग बंगाली वर्ड में बोलते हैं, निशा का लड़का, मतलब बिट्टू का छोटा जमाई। और ये सिट्टू का गाड़ी पे पहुंच गया, इसी में सोमन जाएगा। देख सकते हैं मस्ती इसका। अब निकलने का वक्त हो गया है, बहुत दूर यहाँ से अभी जाना है, लगभग वही 200 मीटर लगभग, क्योंकि लव मैरिज है, जाहिर सी बात है सामने ही होगा। और ये रहा रानी, एक तो लेके ये भी। चलिए अब गाड़ी में बैठने का टाइम हो गया सोमेन का, खुश मिजाज बहुत लग रहा है बच्चा। शादी करते जाने टाइम यहाँ पर मुंह मीठा करके विदा करना पड़ता है लड़का को, यही नियम है इधर का। तो मौसी भी सोमेन को मुंह मीठा करा रहा है, और ये रहा छोटा जमाई। सब अभी डांस करते करते यहाँ से निकलेगा, और काफ़ी मस्ती हो रहा है। और ये है सब सोमेन का दोस्त, और ये तो मेरा भाई है, मतलब मामा का लड़का। अभी छोटी बहन के साथ डांस, अभी और भी आएगा, ये लोग का ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, देख सकते हैं काफ़ी मस्ती हो रहा है। ये है मेरे बड़े मामा का लड़का अपूदा, और हम लोग अभी पैदल ही निकलेंगे, और खाली सोमेन गाड़ी से निकले, और ये लगभग पहुंच ही गए उन लोग के घर तरफ। डांस करते करते ये लोग गप भी लड़ा रही है, मतलब मल्टी टैलेंटेड गर्ल्स कहा जा सकता है। बस पहुंच गए लड़की का घर, मतलब रीमा का घर का सामने का ये गेट सजाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये रहा जीजा जी माही को लेकर, और ये रहा सोमेन जिसका जिस बल ये शादी होने वाला है। रीमा भी आ गई, बहुत सारा लेक विधि अभी संपन्न होने वाले हैं आज रात को, अभी हस्त बंधन है ये। देखिए दोनों हाथ को एक साथ बांधा गया, 100 रुपये का नोट भी रखा गया है। और ये रहा जहाँ पर खान पान का व्यवस्था किया गया है, उधर का कैंपस है ये, ये भी काफ़ी बढ़िया सजावट करा है इधर, लाइटिंग का व्यवस्था, एक लाइट ट्री इधर देखने को मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और काफ़ी तादाद में ये इन्विटेशन मिला है, सबको आकर खाना खा रहा है सब।
और ये लोग भी आ गया। आज रात को ज़्यादा नियम नहीं, कल सुबह से नियम कानून ज़्यादा शुरू होगा कल से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह होते ही कोर्ट रजिस्ट्री का व्यवस्था करा गया और ये होना ही चाहिए आज के डेट में, क्योंकि कोर्ट मैरिज करके रखना काफ़ी ज़रूरी है अभी के डेट में। मेन रस्म आज से ही शुरू होगा, मतलब अभी दिन में। चलिए देखते हैं। सर झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे, तब बिना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान। ये है सबसे मेन रस्म सिंदूरदान, हम लोगों का बंगाली कल्चर में ये सबसे प्रमुख होता है। इसके बाद ही शादी संपन्न होता है। शादी करके कैसा महसूस हो रहा है तुमको? शादी करके मज़ा तो बोल नहीं सकता क्या आ रहा है, मतलब खुशी महसूस हो रहा है कि नहीं? खुशी है, खुशी है, लेकिन भूख भी लग रहा है बहुत। वो अलग चीज़ है, मतलब एक अंदर से खुशी मिल रहा है कि नहीं, चलो मतलब एक क्या बोलता है उसको, बंधन में बंध गए, मतलब जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गया, ऐसा महसूस होता है कि नहीं? शादी का खुशी है लेकिन जिम्मेदारी थोड़ा बहुत, मतलब तुमको पता है कि गम आने वाला है? गम आने वाला है। मतलब आज का तारीख है, आज आपका कितना तारीख हो गया जी? 26 तारीख, नेक्स्ट मंथ का 26 तारीख को फिर आपसे एक वीडियो, मतलब एक फुटेज हम बनाएंगे। हाँ। फिर आपका ओपिनियन जो है वो लेंगे। हाँ। चलिए बढ़िया बात है, धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन सोमन, शादी करके अभी फिलहाल आ गया घर में, अभी इसको वरण किया जाएगा। अभी नियम है इधर का कि गाड़ी को 7 बार घूमना पड़ता है। अभी यहाँ पर एक स्टॉपेज होगा, यहाँ पर रोका जाएगा पैसा के लिए। पैसा का डिमांड ये लोग जरूर करेगा, पता नहीं कितना करेगा। जैसे सुनने में आ रहा है कि 5,000 का डिमांड कर रहा है, देखते हैं कितना बार्गेनिंग कर पाता है ये लोग। तो शॉर्ट शॉर्ट करे बढ़ा ना, डायरेक्ट 500 बढ़ा लीजिए, 100 करी बढ़ा, गजब बात है। चलिए 1,000 में डील हुआ, अभी आगे देखते हैं। और यहाँ भी एक नियम, यहाँ पर कलश चढ़ा दिया है, अभी ये उतारने के लिए पैसा का डिमांड करेगा, क्योंकि नया वाइफ है, अभी सब सिस्टम नहीं जानता है। अभी यहाँ 5,000 का डिमांड यहाँ भी हो रहा है।
ये लोगों को 5 पैसा नहीं मिलने वाला है, हमको पूरा एकदम भविष्य पता है, ये जस्ट खाली फॉर्मेलिटीज है। चलिए कुछ डील हुआ शायद। अभी ऊपर प्रणाम करके आएगा तुलसी मंदिर पर। अभी किचन घुसा है दूध गर्म करने के लिए, बस ये लास्ट नियम है, आगे तो और नियम है नहीं। चलो खुश रहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस सोमन और सोमन की नई वाइफ। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अच्छा ही बताना है क्योंकि हमको लग रहा है कि अब धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, और ब्लॉग जैसे लंबा नहीं हो इसलिए बीच में हमको तोड़ना पड़ा ताकि सब कोई देख सके आराम से। 10-15 मिनट से ज़्यादा ब्लॉग नहीं होना चाहिए, तो कोशिश कर रहा हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो। खैर जो भी हो, ये नेक्स्ट पार्ट आप लोग को कल या परसों देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, मैं कोशिश, क्योंकि एडिटिंग में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। और जो जिसको ये ब्लॉग शादी वाला ब्लॉग खासकर से पसंद आ रहा है, वो कोशिश करिएगा अपने दोस्तों के साथ साझा करने का, ताकि मेरा जो व्यूज़ का है वो रेशियो थोड़ा बढ़े और सब्सक्राइब का भी रेशियो थोड़ा बढ़े। इसलिए आप लोग अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं वहाँ पर यदि शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्त लोग भी देख पाएंगे और मुझे भी काफ़ी सारा खुशी मिलेगा और फ़ायदा भी हो सकता है। चलिए सीधे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा।